हेलो फ्रेंड्स, आई एम दुर्गा फ्रॉम त्रिशा केक्स। वेलकम टू माय चैनल त्रिशा केक्स। आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट डच केक। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाइए। ये मैंने बेस बना के रखा है चॉकलेट का। ये इसको मैं अभी 3 लेयर में कट करूँगी। ये एक हो गया, अगर आप चाहो तो दो में भी कर सकते हो, दो लेयर में। लेकिन दो लेयर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और वो खाने में सिर्फ बेस ही लगेगा। इसके लिए हमेशा 3 लेयर में ही कट करना। ये मैं वाटर, नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर से केक को सोक करूँगी। मैं कोई शुगर सिरप नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी केक स्वीट होता है, केक और क्रीम भी, तो नॉर्मल वाटर बैलेंस कर जाता है। चॉकलेट बेस है तो उसको ज़्यादा सोक करना, थोड़ा दूसरे केक से ज़्यादा सोक करना पड़ता है। ये मैंने क्रीम लिया है, क्रीम में, और ये चॉकलेट गनाश है। गनाश का रेसिपी मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आपको अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे देख लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबाइए। तो आने वाले मेरे सारे जो वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिले। क्रीम को अच्छे से फेंट लीजिए। ये हो गया डच क्रीम। ये गनाश में मैं थोड़ा सा इस पे बेस पे ही डालूंगी तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। कोई कोई क्रीम के ऊपर डालता है लेकिन मैं इस पे ही डालती हूँ। ये लिया क्रीम। स्पैचुला हमेशा ऐसा पकड़ना है, ये ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो नहीं जमेगा। ये एक फिंगर यहाँ पे होना चाहिए और ये आगे वाला जो पोर्शन है इससे ही क्रीम को आपको प्लेन करना है ऐसे। पैलेट नाइफ हमेशा सीधा रखना है। क्रीम आप अपने हिसाब से डाल सकते, कस्टमर के हिसाब से डाल सकते हो, सॉरी उनको कितना क्रीम चाहिए, किसी को कम ज़्यादा कम चाहिए रहता है, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है। ये टॉप पोर्शन है, इसको मैं उल्टा रखूँगी। और ऊपर केक सोक करने से पहले ये साइड का जो गैप है वो मैं पहले फिल करूँगी। केक सोक करने के बाद फिर वो केक नीचे, कॉर्नर नीचे बैठेगा नहीं। अगर कॉर्नर नीचे बैठ जाएंगे तो आपके केक लेवल में नहीं होगा, पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। ये मैं फिर से सोक कर रही हूँ।
मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा। आपकी तरह जो नए देखने वाले लोग हैं उनको भी ये मेरा वीडियो देखने मिले और थोड़ा सा कोई कुछ सीखने मिलेगा। दैट्स इट। फिर से मैं थोड़ा सा गनाश डाल रही हूँ। केक बनाने के टाइम पे आपका हाथ एकदम हल्का होना चाहिए। अगर आपका क्रीम ड्राई होता है तो उसको बार बार फेंट लीजिएगा, फेंटने के बाद ही केक पे लगाओ। ये दो लेयर हो गए हमारा, तीसरा लेयर है, थर्ड लेयर। लेयरिंग करने के टाइम पे केक हमारा लेवल में है कि नहीं ये भी चेक करना होता है। ये मैं फिर से सोक कर रही हूँ केक को। ये डालना भूल गई, वापस से गनाश एक बार। ये टॉप लेयर है, मैं थोड़ा सा क्रीम लगा के इसको कवर कर रही हूँ। ये कवर करने को बोलते हैं क्रम्बल कोट करना। ये अभी केक हो गया है, क्रम्बल कोट हो गया है, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो बाद में जब आप डेकोरेशन करते हो तो केक का जो क्रम्स है, बारीक बारीक जो दाने केक के, वो आपने डेकोरेशन में नहीं आएंगे, क्रीम में नहीं आएंगे। और इसको 10 या 5 मिनट के लिए थोड़ा फ्रिज में रखो तो ये पूरा सेट हो जाएगा और बाद में डेकोरेशन अच्छे से हो पाएगा। रखने के बाद, केक उठा के रखने के बाद इसको नीचे पुश करना है फिंगर से एंड उसको पैलेट नाइफ को खींचना है। ओके,
ये मैंने केक अभी फ्रिज में से निकाला, 10 मिनट में मैं केक फ्रिज में रखा था। ये अभी अच्छे से सेट हो चुका है। अगर आपका ये अगर ऐसे घूमता है केक, तो इस पे ऐसा टॉवल डालो आप, छोटा सा आपका जो भी हैंकी है, केक उसके ऊपर रख दो, तो ये केक बोर्ड जो है वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। आप ये एक ट्रिक है, ये मैंने क्रीम लिया, ये मैं प्रोपोलाइट क्रीम यूज़ करती हूँ। एकदम स्लोली स्लोली, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है केक पे। हाथ हमेशा सीधा होना चाहिए। पहले ही थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि फिर अगर कम पड़ जाएगा बे, आपका अंदर का बेस नहीं दिखना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसको निकाल सकते हैं। कर रही हूँ अभी केक स्क्रैबर, इसको सिर्फ साइड से ऐसे टच करना है, आपका केक एकदम प्लेन हो जाएगा। एक हाथ से टच करके रखना है और एक हाथ से टर्न टेबल को घुमाना है, एंड देन एकदम प्लेन स्ट्रेट हाथ रख के इसको, ये जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो निकाल देना। अभी मैं यूज़ करूँगी केक कोम, दिस इज केक कोम। इसको भी वैसे ही करना, एक साइड से केक को टच करना है और एक साइड से एक हाथ से टर्न टेबल को घुमाना है। अगर आपको केक क्लास करना है तो मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, तो आप वहाँ से मुझे आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा क्लासेस भी चालू है, ये मेरा अभी केक रेडी हो, थोड़ा सा रेडी हो गया है और बाकी डेकोरेशन अभी बाकी है। देखो कितने शार्प एजेस आए हैं एकदम, दिख रहा है।
ये गनाश है, मैंने गनाश बना के रखा है, आपको दिख रहा है कितना डार्क एकदम। ये नेचुरल कलर है, इसमें कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया है, ये चॉकलेट का ही कलर है पूरा। अगर आपको गनाश की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख लीजिए, वहाँ पे मैंने अपलोड की करी है। ये मैंने जस्ट अभी बनाया है गनाश, स्पैचुला को स्ट्रेट रखना है और एक साइड से थोड़ा सा ऊपर करना है, उसको धीरे धीरे गोल गोल घुमाते जाना है, बस और कुछ नहीं। मैं इसको आधा ही कवर करने वाली हूँ, पूरा फुल केक कवर नहीं होगा, आपको दिख रहा है सी, सॉरी। मैं अभी इसकी बॉर्डर करने जा रही हूँ। बॉर्डर के लिए मैंने लिया है नोजल नंबर 21। ऐसा डाल के जहाँ तक जाता है वहाँ पर टाइट करके, फिर थोड़ा सा पीछे लेके इसको यहाँ से कट करना है, तो आपका नोजल अच्छे से बैठ जाएगा। और थोड़ा सा, किसी किसी को नोजल भी डालने नहीं आता है, वो लोग देख लें ऐसे। ओके, ये भी शेल डिजाइन होगा। ओके, दिख रहा है, मैं भी सेम वही करने वाली हूँ।
ज़्यादा बंद कर। पुश करना है और आगे खींचना है। ओके, दिख रहा है? और मैं इसका डेकोरेशन जो आज करने वाली हूँ वो मैं एक बैक को थोड़ा सा स्ट्रेट कर दे रही हूँ। और थोड़ा सा मुझे लाइनिंग चाहिए। सिर्फ सीधे सीधे ऐसे लाइन करना है। ये स्प्रिंकल्स है, मैं यहाँ पे स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ। ये कोई भी बेकरी शॉप में अवेलेबल हो जाता है इजीली, जहाँ पे केक का जो सामान मिलता है वहाँ पे। ये मैंने कुछ चॉकलेट के चॉकलेट बना के रखे हैं डेकोरेशन के लिए। ऐसे इस तरीके से क्रॉस में लगाना है। ये एक जो बचा है मैं इधर फ्रंट में लगा रही हूँ। ये मेरे पास कुछ गोल्डन बॉल्स है, मैं थोड़े थोड़े यहाँ पे भी डाल देती हूँ। यहाँ पे मुझे नाम लिखना है तो ये जगह मैं खाली रख रही हूँ।
का भी रेडी हो चुका है। ये जिनका बर्थडे उनका नाम भी मैंने लिख दिया है और ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बर्थडे का टॉपर। देखिए कि कितने अच्छे से इसका शार्प एजेस देखो और इसका फिनिशिंग देखो। सो ये सिंपल डिज़ाइन है चॉकलेट केक में। ओके, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।